आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। विनोबा नगर एवं नायडू डांस क्लास के संयुक्त तत्वाधान में महाअष्टमी पर भव्य रास गरबा का आयोजन किया गया। इस हेतु विगत 5 दिनों में प्रतिभागियों का अभ्यास चल रहा था और कल समापन हुआ। आयोजन के बारे में समिति के संजय मुरारका ने बताया कि बच्चों के प्रतिभाओं को निखारने एवं आपसी स्नेह बनाए रखने के उद्देश्य से कॉलोनी में लगातार विभिन्न आयोजन किए जाते हैं और उसी कड़ी में इस वर्ष रास गरबा का आयोजन किया गया था, जिसमें बेस्ट मेल डांसर, बेस्ट फीमेल डांसर, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट का पुरस्कार दिया गया। इन सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। बताएंगे आज मतलब यहाँ पहली बार आयोजन हो रहा है डांडिया का, कैसा लग रहा है आप लोगों को? नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम शिवांगी पांडे। डांडे कितने दिनों से चल रहा है? आज यहाँ पर 5 दिनों से विगत डांडे का आयोजन किया जा रहा है समिति द्वारा क्लास के संयुक्त तत्वाधान में, और आज अष्टमी के दिन इसका समापन किया जा रहा है। मोहल्ले के बच्चे, आसपास के बच्चे, डांस क्लास के बच्चे, यहाँ पर सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अति उत्साह का माहौल, अभी जैसे आपने देखा होगा अति उत्साह का माहौल है यहाँ पर बच्चों के बीच में। और हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है कि जो है सब सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, तो हम यहाँ पर मोहल्ले में कार्यक्रम का आयोजन लगातार कराते रहते हैं। जी नाम बताएंगे? ये बताएंगे निःशुल्क डांस सिखा रहे हैं आप, क्या उद्देश्य है? देखिए अभी क्या हो रहा है, 2 साल से बहुत सारे जो बड़े बड़े आयोजन होते थे वो शहर में हो नहीं रहे, तो हम क्या है कभी गुजरात गए थे घूमने के लिए, तो हमारे दिमाग में आए जैसे गुजरात में मोहल्ले मोहल्ले में गली गली में लोग जो है माता के आराधना में डांस करते गरबा करते कहीं आयोजन में जाते नहीं, तो मैं बोला क्यों नहीं, अपन बैठे हुए हैं, बच्चों का भी एक मनोरंजन हो जाएगा, गरबा सीखने को भी मिलेगा उनको और एक माता के नाम में हमारे मोहल्ले में स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने बोला कि मोहल्ले मोहल्ले में ही तो ना अपने को गरबा स्टार्ट किया जाए ताकि बच्चों को एक मंच भी मिले और बेचारे को एक एक्टिविटी भी हो और साथ में फेस्टिवल भी अच्छे से मन सके। तो मेरे ख्याल से अपने बिलासपुर में मोहल्ले वाले गरबा ये पहला है और उसके बाद हम लोग हर साल कोशिश करेंगे कि हर मोहल्ले में शुरू हो जाए, ये हमारी कोशिश है। ठीक, नाम बताएंगे? हरी नायडू, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।